नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। और एक दिन की छुट्टी के बाद आज भारतीय बाजार खुलेंगे और खुलकर शायद मजबूती दिखाएं, क्योंकि संकेत विदेशी बाजारों से बेहतर है। इसलिए शुरुआत करते हैं आज के अहम ट्रिगर्स के साथ ही। और ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के बाजार कल 1% चढ़कर रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई है। सेंसेक्स निफ्टी भी आधा परसेंट ऊपर कर रहा है ट्रेड। कच्चा तेल 78 के नजदीक कर रहा है ट्रेड अंतरराष्ट्रीय बाजारों में। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है उसके बाद माना जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है, क्योंकि उन्होंने चेताया है मिडिल ईस्ट को और कहा है कि मिडिल ईस्ट ऐसे देश हैं जिनको यूएस प्रोटेक्ट करता है, और अगर यूएस ने प्रोटेक्शन हटा ली तो वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि वो तेल कीमतों को नीचे लेकर आए। तो ये ट्वीट उनकी ओर से जो आया, ये बहुत अहम है कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से। लेकिन आज फोकस में रहेगा येस बैंक, क्योंकि येस बैंक के सीईओ राणा कपूर को नहीं मिला है एक्सटेंशन आरबीआई की ओर से, और जनवरी 2019 को उनका जो टर्म है वो खत्म हो रहा है। और आज से बाजार बंद होने के बाद फुटसी इंडेक्स में होंगे बदलाव। फोकस में रहेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल, बजाज होल्डिंग और एलएनटी इंफोटेक जैसे स्टॉक्स। तो ये कुछ अहम ट्रिगर्स आज की शुरुआत से। पहले एक बार देख लेते हैं सेंसेक्स निफ्टी को, और उसके बाद आज जो संकेत मिल रहे हैं उनको समझेंगे संदीप ग्रोवर से। सेंसेक्स निफ्टी 40 अंक ऊपर है 11354 के लेवल्स पर। संदीप गुड मॉर्निंग, बताइए ओवरऑल संकेत आज की शुरुआत से पहले अमेरिका से, एशिया से और कच्चे तेल से। बेहतर संकेत है दीपाली, एज ए निफ्टी आपकी स्क्रीन पे है, ये 40 पॉइंट के आसपास की तेजी है, 11350 के पार है। आज एशियन मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव हुई है, और ये दरअसल इसलिए है क्योंकि कल अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड हाई पे बंद हुए हैं। डाउ तो इनफैक्ट 250 पॉइंट से ज्यादा चढ़ता हुआ दिखा, और जनवरी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि डाउ जोन्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। बाकी दोनों इंडाइसिस तो रिकॉर्ड हाईस पहले भी टच कर चुके हैं, और ये दरअसल इसलिए क्योंकि ट्रेड वॉर को लेकर जो चिंताएं हैं अमेरिका और चीन के बीच में वो शायद कम हो सकती है, ऐसी उम्मीद अब ग्लोबल मार्केट्स में बनती हुई दिख रही है। यही वो हफ्ता है दीपाली जब दोनों देशों ने, अमेरिका और चीन ने, जो दोनों देशों से सामान आता है उसके ऊपर अतिरिक्त जो टैरिफ्स हैं वो लगाने की घोषणा की थी। लेकिन अब चाइना की ओर से ऐसे बयान निकल के सामने आ रहे हैं कि शायद यूएस के बिहेवियर में कुछ बदलाव आते हुए दिखे। तो अब दुनिया भर के जो मार्केट्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि शायद जो ट्रेड वॉर है केवल अमेरिका और चीन तक ही सीमित है, ये ग्लोबल ट्रेड वॉर नहीं बनता हुआ दिखेगा। इसी उम्मीद में डाउ जोन्स रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ, और आज एशियन मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव टोन पे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इसमें एक पॉजिटिव ये भी है दीपाली कि जो डॉलर इंडेक्स जो कि काफी मजबूत होता हुआ दिखा था, अब लगातार वहां पे कमजोरी देखने को मिल रही है, और अब जो 94 का लेवल है उसके भी नीचे डॉलर इंडेक्स की जो चाल है वो देखने को मिल रही है। तो अगर आज रुपया कमजोर होता है डॉलर की कमजोरी की वजह से, रुपया मजबूत होता है तो जाहिर सी बात है एक और पॉजिटिव ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के लिए बनता हुआ दिखेगा। लेकिन पॉजिटिव एक और बता दूं आपको, वो है क्रूड। जैसे आपने कहा, ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जो मध्य पूर्व के देश हैं उनको एक फटकार लगाई है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा की बात तो करी है, वो ये भी कह रहे हैं कि उनको कीमतें बहुत जल्द नीचे लानी होंगी, क्योंकि ये शायद बेहतर नहीं है कि अगर वो कीमतें लगातार ऊपर की ओर करने के लिए पुश कर रहे हैं। तो अगर क्रूड की कीमतें और नीचे आती हैं, जैसे हमने कल भी देखा 1% के आसपास की गिरावट थी, तो एक और पॉजिटिव इंडियन मार्केट्स के लिए हो सकता है। नेट नेट देखा जाए सभी जो फैक्टर्स हैं आज वो इसी और इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स की आज बेहतर शुरुआत या तो फिर पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है, शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है, ऐसे संकेत तो मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, ऐसे ज्यादातर बड़े एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस ट्वीट के बाद हो सकता है कि एक मीनिंगफुल करेक्शन कच्चे तेल के दामों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आती हुई दिखे। लेकिन ओवरऑल आज की ओपनिंग से पहले संकेत विदेशी बाजारों से बेहतर है। अब देख लेते हैं कि कल बुधवार के बाजार में जो संस्थागत निवेशकों हैं उन्होंने क्या रुख अपनाया है। एफआईआई ने कैश मार्केट में भारी भरकम बिकवाली की है, लगभग 2200 करोड़ की। डीआईआई की ओर से खरीदारी हुई है 1200 करोड़ के आसपास की, और एफएनओ में एफआईआई ने 1660 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस के आंकड़े भी देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स जो हैं एफआईआई ने वो खरीदे हैं 358 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस में 1533 करोड़ की खरीदारी की है, और स्टॉक फ्यूचर्स में 60 करोड़ की है बिकवाली। तो यह है संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। अब इन आंकड़ों के साथ और आज के संकेतों के साथ शुरुआत कैसी हो सकती है, और शुरुआत के बाद रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं फोकस और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां रोज हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, आज की ओपनिंग से पहले जो संकेत हैं विदेशी बाजारों से संस्थागत निवेशकों के, कैसे लग रहे हैं ओवरऑल? संकेत काफी अच्छे हैं दीपाली, हालांकि फंड फ्लो उतना मजबूत नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट पिछले दो सेशन में जिस तरह से बढ़े हैं वो संकेत काफी बेहतर हैं, क्योंकि अमेरिका में दोनों दिन देखिए आप तेजी हुई है, और दोनों दिन मिलाकर देखिए तो 400 पॉइंट से ज्यादा डाउ बढ़ा है, रिकॉर्ड हाईस पर फिर से बंद हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ग्लोबल मार्केट से अच्छी मजबूती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक ग्लोबल मार्केट का सवाल है, करेंसी मार्केट ठीक सा बंद हुआ है,
हमारे बाजार बंद होने के बाद जितनी देर और करेंसी मार्केट खुले थे परसों, थोड़ी रिकवरी ऊपर में आई। मैं उम्मीद करूं कि आज फिर से कुछ और रिकवरी आनी चाहिए करेंसी मार्केट में, रुपए की मजबूत शुरुआत हो सकती है। साथ ही मजबूत शुरुआत आप मार्केट की भी होते हुए देखेंगे, 11,300 आज के लिए निर्णायक लेवल का काम करेगा, 11,200 से लेकर 11,375 बड़ी रेंज है ये निफ्टी के लिए रहेगी। बैंक निफ्टी के लिए 26,500 निर्णायक लेवल का काम करेगा और 26,400 से लेकर 26,800 पहली रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ दिख सकता है। अच्छा ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज आज के लिए बताई गई है, शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे आज? यस बैंक रहेगा फोकस में, राणा कपूर के जाने की खबर यस बैंक के लिए ठीक नहीं है, तो गिरेगा और अच्छे से गिरेगा। भले ही पिछले कुछ दिनों में कमजोर हुआ है, काफी हद तक करेक्शन हुआ भी है और नीचे आया भी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जगह बाकी है, थोड़ा और नीचे आएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयरों पर नजर रखिए, हम परसों भी कह रहे थे कि खरीदारी का मौका बन रहा है, आज भी लगता है कि ये शेयर अच्छी तेजी दिखा सकते हैं, यहाँ खरीदारी होनी चाहिए, तो HPPIOC जैसे शेयर आज तेजी दिखा सकते हैं। शुक्रिया आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स यहाँ पर करें फोकस, तेजी का मूड बन सकता है और साथ ही फोकस रहेगा यस बैंक के स्टॉक पर, जहां पर जो खबर आई है वो मूड बिगाड़ सकती है स्टॉक का। और ढेर सारी ब्रोकर हाउसेस के आज रिपोर्ट्स भी आई हैं जिन्होंने टारगेट्स को घटाया है, और इन रिपोर्ट्स के बारे में आगे शो में हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन स्टॉक्स कौन से हैं जो आज रहेंगे फोकस में यस बैंक के अलावा, वो अब जान लेते हैं और रुक करते हैं स्टॉक न्यूज का। पूजा है हमारे साथ, गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए कौन से शेयर्स हैं? गुड मॉर्निंग, आज फुटसी इंडेक्स में कुछ बदलाव होंगे जो कि आज की क्लोजिंग से लागू होंगे, और उसमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जो चेंजेस होंगे उसमें इंडेक्स में शामिल होने वाले शेयर्स में L&T इन्फोटेक, बजाज होल्डिंग्स, बंधन बैंक, ICICI प्रूडेंशियल और पेट्रोनेट LNG, इन तमाम स्टॉक्स का नाम शामिल है जो कि इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। और बाहर होने वाले स्टॉक में रिलायंस कम्युनिकेशन, CG पावर और GE शिपिंग जैसे शेयरों का नाम शामिल है, तो इन सभी स्टॉक्स पर आज नजर रहेगी। इसके अलावा यस बैंक भी आज फोकस में रहेगा। राणा कपूर के CEO का कार्यकाल बढ़ाने को RBI ने मंजूरी नहीं दे दी है, वो सिर्फ जनवरी तक ही CEO पद पर बने रहेंगे। और इसके अलावा 25 सितंबर को बोर्ड की बैठक भी होगी जिसमें कि आगे के कोर्स ऑफ एक्शन पर विचार किया जाएगा कि आगे CEO कौन बने रहेगा, इस पर विचार कर सकते हैं। तो आज येस बैंक पर नजर रखिए। इसके अलावा मैक्स इंडिया ये भी फोकस में रहेगा। मैक्स हेल्थ केयर में रेडियंट लाइफ करीब 49.7% हिस्सा खरीदेगी। रेडियंट लाइफ इसके पहले फोर्टिस हेल्थ केयर में काफी इच्छुक थी स्टेक खरीदने के लिए, लेकिन अब मैक्स हेल्थ केयर में खबर है कि वो खरीद सकती है और 80 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 27 करोड़ शेयर्स कंपनी के खरीदेगी। ये जो पूरी डील है ये 29.3 करोड़ डॉलर में पूरी डील होते हुए नजर आएगी, तो मैक्स इंडिया पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा BSE और MCX ये दोनों भी फोकस में रहेंगे। कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए अब सेबी ने BSE और NSE को भी मंजूरी दे दी है, तो इसके चलते आज इन दोनों पर नजर रखिए। जेट एयरवेज एक और नेगेटिव खबर कंपनी के लिए, फाइनेंशियल्स को लेकर तो दिक्कतें जारी ही हैं और अब खबर आती है कि मुंबई दिल्ली में 4 दफ्तरों में आयकर विभाग की जांच की खबरें हैं और कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप है। ये जांच अभी भी चालू है और इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है जेट एयरवेज के संदर्भ में, तो एक नेगेटिव रिएक्शन आज देखने को मिल सकता है। ITC फोकस में रहेगा। ITC होटल्स में पार्क हयात गोवा रिसोर्ट एंड स्पा का अधिग्रहण कर लिया, ये जो पूरी डील है ये 440 करोड़ में ये डील पूरी हुई है, तो ITC पर नजर रखिए इस खबर के चलते। और आखिर में बात करते हैं विजया बैंक की, यहां पर भी खबरें आ रही हैं कि आज बोर्ड की बैठक संभव है जिसपे कि मर्जर को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो ये स्टॉक रहेंगे फोकस में और तमाम सरकारी बैंक भी आज फोकस में रहेंगे। कई सरकारी बैंक है ऑलमोस्ट 10 जिनके MD और CEO के पद खाली थे, वहां पर अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं। लेकिन एक खास कॉन्वर्सेशन हुआ SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार से। दरअसल बैंकों के मर्जर की जो प्रक्रिया है उसको SBI ने एक अच्छा कदम बताया है, और जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा है कि मर्जर में बैंक कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना बड़ी चुनौती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SBI के बाद जो कंसोलिडेटेड बैंक्स थे उसके बाद जो है अब बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं और क्या कंसोलिडेशन, किस प्रक्रिया को इस तरीके से आगे जाना चाहिए? ये तो एक अच्छी शुरुआत है। ये तो पिछले 25 साल पहले रिकमेंडेशन बनी थी नरसिम्हन कमेटी की कि बैंकों के कंसोलिडेशन की ज़रूरत है और कुछ 4-5 बड़े बैंक चाहिए अगर जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, तो ये पहला कदम है मैं समझता हूँ। और आगे चलकर अगर ये सफलतापूर्वक हो जाता है जिसकी मुझे नहीं, देखिए जब भी कोई भी मर्जर होता है उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखने की जो ज़रूरत होती है वो होती है कि आप जो इम्प्लॉयज़ हैं उनका कैसे इंटीग्रेशन करते हैं और जो कस्टमर्स हैं
उनका कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, ये दो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। बैलेंस शीट, पी एंड एल, ये तो मालूम है कि आज क्या स्थिति है, पोस्ट मर्जर क्या स्थिति बनेगी और उसको कैसे ठीक करना है, उसको मैं आसान काम समझता हूँ। और जो एम्प्लॉय इंटीग्रेशन और कस्टमर्स का इंटीग्रेशन है, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फ्रंट होता है, और अगर उसको सक्सेसफुली हैंडल कर लिया आपने तो बाकी सारे इश्यूज हैंडल हो जाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन, रुपए के डिप्रिसिएशन को रोकने के लिए और सी ए डी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो 5 मेजर्स अनाउंस किए हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं और उसमें क्या किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है? मुझे लगता है कि सेंटिमेंट इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी, और जो भी कदम है उनका जो एक मैसेजिंग होता है कि सरकार क्या चाहती है, आरबीआई क्या चाहता है, तो वो एक राइट मैसेज इस समय मार्केट में गया है, और रुपए को जो करेंट स्तर है उससे मुझे लगता है कि ये मजबूत हो। तो अब आपके हिसाब से ये क्या उम्मीद की जाए, स्थिति कब तक रहने वाली है, इसमें कब हम सुधार देख सकते हैं? नहीं देखिए, अगर जहाँ तक रुपए का सवाल है तो उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ऑयल प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इंडिया की डिपेंडेंस इम्पोर्ट्स पर है। अगर हम अपना इम्पोर्ट पेमेंट का मैकेनिज्म में कुछ सजेशंस हैं जो कि इम्प्लीमेंट करने की संभावना है, और दूसरा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कंट्रोल में रखना ही होगा। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे अभी इतना कोई मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो जो भी टारगेटेड ट्रेजेक्ट्री है उसी में चल रहा है अभी तक। तो उस हिसाब से जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, एक ऑयल प्राइसेस और दूसरा जो डॉलर की मजबूती है बाकी सारी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज़ के अगेंस्ट, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो इंडिया पर आएगा। लेकिन जो सरकार कदम उठा रही है और आगे भी आशा है कि कुछ और कदम की संभावना है, तो उन कदम से जो है अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करके और जो इन्वेस्टमेंट है, FPI है, उसके लिए जो मेजर्स लिए गए हैं लाइक विदहोल्डिंग टैक्स हटाना मसाला बॉन्ड पे, और ये FPI में कुछ लिमिटेशंस थी उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया, तो ये सब का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। सर, PFC के साथ बैठक है पावर से, वो करेंगे, अभी बैठक करेंगे उसके बाद बताएंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। बात करते हैं आज की ट्रेडिंग रणनीति की। हमारे साथ सेंट्रल ब्रोकिंग के जय पुरोहित मौजूद हैं। जय, गुड मॉर्निंग। पहले तो निफ्टी पर बताइए कैसे ट्रेड लेंगे आज? गुड मॉर्निंग दीपाली। अगर ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेंड काफी नेगेटिव है, बट जैसा कि ग्लोबल मार्केट से आज संकेत मिल रहे हैं तो जो स्टॉक्स है उसमें शॉर्ट कवरिंग के चांसेस लग रहे हैं, तो निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं 11,220 के स्टॉप लॉस के साथ में, और ऊपर में 11,307 का टारगेट रहेगा। ठीक है, खरीदारी का व्यू है निफ्टी पर, जय की ओर से टारगेट रहेंगे 11,360 के, 11,222 का स्टॉप लॉस। स्टॉक्स कौन से रेकमेंड करेंगे आज के लिए? जी, OMC अगर देखेंगे तो उसमें एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हो रहा है। जितने भी तीनों OMC है, IOC, BPCL और HPCL, तीनों अच्छे लग रहे हैं। IOC में बाय का सलाह रहेगा, 145 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं 167 के टारगेट के लिए। ठीक है, और जो सेकंड स्टॉक है वो है अपोलो टायर, उसमें भी एक बाउंस बैक लग रहा है, यहाँ से 250-255 तक जाने की संभावना है स्टॉक की, तो बाइंग कर सकते हैं, और 235 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका जय। तो अपोलो टायर्स में खरीदारी का व्यू है, 250 का लक्ष्य है, 235 का स्टॉप लॉस। अपोलो टायर्स में HDFC म्यूचुअल फंड ने अपनी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है और टोटल होल्डिंग बढ़कर अब 5% हो गई है। दूसरा है IOC, 167 के टारगेट, 145 का स्टॉप लॉस। और अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी ने बताया भी था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स आज मजबूत हो सकते हैं। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी है, वो भी आप नोट कर लीजिए आज के सेशन के लिए। एक्सिस सिक्योरिटीज ने चुना है गेल को 393 के टारगेट के लिए, 377 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। 2.5% बढ़कर बंद हुआ था बुधवार के सत्र में, स्पेशली तब जब बाजार कमजोर हो रहे थे। जी शिपिंग ये दूसरा स्टॉक है, यहाँ पर 317 के टारगेट है, 303 का है स्टॉप लॉस। यहाँ भी खरीदारी का ही व्यू है एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर का। इसके अलावा जो कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। IDBI कैपिटल ने चुना है IOC को, विजय भी IOC पर कॉल दे रहे थे खरीदारी की। IDBI कैपिटल का मानना है 157 के लक्ष्य के लिए खरीदिए, 151.35 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। IDBI कैपिटल ने चुना है गुजरात अल्कलीज को, लगातार चल रहा है ये स्टॉक, आज के लिए 635 का टारगेट, 603.80 रुपए का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। लेकिन आप कमोडिटी बाजार के रुख करते हैं, हमारे साथ SMC ग्लोबल की वंदना भारती मौजूद है। वंदना, गुड मॉर्निंग। पहले तो कच्चे तेल पर अपनी एक राय दीजिए, 78-75 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट का भाव अभी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद आशंका तो जताई जा रही है कि कीमतें आने वाले दिनों में और गिर सकती हैं। आज के लिए रणनीति क्या रखें क्रूड में? जी वंदना,
वंदना की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, उनको वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप नोट कर लीजिए जो क्रूड पर उन्होंने स्ट्रैटेजी आज के लिए बताई है। कच्चे तेल पर जो राय है वंदना की वो एक बार दिखा देते हैं आपको, उनका व्यू इनफैक्ट अभी पूछेंगे जब वो हमारे साथ कनेक्ट होंगी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है उसको लेकर यही आशंका जताई जा रही है कि जो कच्चे तेल के दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और घट सकते हैं। तो ये है, आज क्रूड की जो ओपनिंग होगी वो काफी अहम होगी, लेकिन ट्रेडिंग के मौके कहाँ है ये वंदना भारती से अभी समझेंगे। उनकी कॉल्स आपको दिखा देते हैं इनफैक्ट जो उन्होंने रेकमेंड किया है वंदना ने आज के लिए। वंदना का मानना है कि चांदी यहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं, 37,300 के स्तर पर आप खरीदिए, 37,800 का लक्ष्य, 37,050 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। वंदना भारती इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर फिर से मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। वंदना, सिल्वर पर आपका खरीदारी का व्यू है आज के लिए? दीपाली, यहाँ पे मैं सिल्वर प्रेफर करूंगी क्योंकि INR में आज एप्रिसिएशन हो सकता है और मेरे ख्याल से INR 70.5-71.4 तक आ सकता है, क्योंकि अगर तेल की कीमत में कमी आई और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे यहाँ पे रुपया हो सकता है कि रिएक्ट करे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 37,800 तक, और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि साल की अगर बात करूँ तो चांदी बहुत तेज है और यहाँ पे 40,200 तक का जो लेवल है वो आ सकता है। बस यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे हर डिप पे यहाँ पे बाय बनती है और इसे पोजिशनली होल्ड करने की जरूरत है चांदी में, ये गोल्ड से बेहतर रिटर्न दे सकती है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जिंक में मुझे लग रहा है दीपाली की जिंक एक अच्छी कमोडिटी है जिसमें कि 180 तक जाने तक के पोटेंशियल है, तो मेरे ख्याल से वहां भी बाय करना चाहिए। और जो दो डेटा है आज, मैन्युफैक्चरिंग डेटा है और मैन्युफैक्चरिंग डेटा है PMI है और सर्विसेज का डेटा है US में, वो डेटा अच्छे आने की उम्मीद है, तो मेरे ख्याल से बेस मेटल काउंटर को यहाँ पे थोड़ा सा पुशअप मिल सकता है, वो ऊपर की तरफ ट्रेड हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो जिंक में खरीदारी का व्यू है 176 के स्तर पर, 179 का टारगेट, 175.5 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चांदी में भी एक खरीदारी का व्यू दे रही है आज के लिए, और जो लक्ष्य है एक बार फिर से नोट कर ले, 37,800 का लक्ष्य, 37,050 का स्टॉप लॉस, 37,300 पर आपको पोजीशंस बनाने होंगे। लेकिन अब ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स की ओर रुख करते हैं, संदीप ग्रोवर हमारे साथ मौजूद है। संदीप, पहले तो येस बैंक जो खबर आई है RBI की ओर से एक्सटेंशन नहीं मिला है राणा कपूर को, उसके बाद तो ढेर सारी रिपोर्ट्स आई होंगी, क्या मानना है ब्रोकर हाउसेस का? चलिए संदीप को आवाज नहीं जा रही है, तो यस बैंक की खबर आपको बता देते हैं। एक्सटेंशन के लिए अर्जी बोर्ड ने दी थी और RBI ने 3 साल का एक्सटेंशन राणा कपूर को नहीं दिया है। जनवरी 2019 ये उनका ये यहाँ तक का एक्सटेंशन मिला है, तो यानी उनका जो कार्यकाल है वो जनवरी 2019 को समाप्त हो रहा है, और 25 सितंबर को बैंक की बोर्ड बैठक है जिसमें आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा। लेकिन आज जो ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं वो मानती हैं कि राणा कपूर को एक्सटेंशन ना मिलना स्टॉक के लिए नेगेटिव है, स्टॉक ऑलरेडी कुछ दिनों से हो रहा था कमजोर। लेकिन ब्रोकर हाउसेस के जो टारगेट्स हैं नीचे की तरफ, वो कितना नीचे है ये जान लेते हैं, संदीप के पास चलते हैं वापस। संदीप बताइए। बिल्कुल दीपाली, येस बैंक को डाउनग्रेड किया गया है, ये खबर जो आई है, इनको एक्सटेंशन नहीं मिला राणा कपूर को। जो IDFC सिक्योरिटीज अंडर परफॉर्म रेटिंग पहले थी उसे घटाकर और अब न्यूट्रल कर दिया गया है, 350 का लक्ष्य था उसे घटाकर अब 250 रुपए कर दिया गया है। सिटी ने तो सीधा बाय से रेटिंग घटाकर सेल कर दी है, पहले टारगेट 440 रुपए का था, आप चौंक जाएंगी, 270 रुपए का टारगेट प्राइस अब येस बैंक के लिए सिटी ने दिया है। उनका मानना है कि पूंजी जुटाने में भी देरी देखने को मिलेगी, उससे ग्रोथ के ऊपर असर देखने को मिलेगा। केवल मैक्वेरी है जो कि आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रख रहे हैं, 425 रुपए का लक्ष्य दिया है, वो भी मानते हैं जो खबर है काफी नेगेटिव है। अब जो डेवलपमेंट्स होंगे कंपनी के बैंक की तरफ से भी और RBI की ओर से, उनको मॉनिटर करना काफी जरूरी होगा। इसके अलावा येस बैंक के अलावा अगर आप देखें तो ग्रेफाइट इंडिया पर जेफरीज की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग बरकरार है, 1415 रुपए का लक्ष्य दिया है। ये जो खबर आई है बेंगलुरु इकाई को लेके, अगर वो मानते हैं कि अगर इकाई बंद हो भी जाती है तब भी इनके जो वॉल्यूम है उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा, और बिड्डा में भी महज 0.5% से भी कम का असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हेवल्स पर UBS की रिपोर्ट है, सेल रेटिंग थी पहले भी, अब भी उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है, टारगेट ऊपर थोड़ा किया है, 500 से बढ़ाकर 540 रुपए किया है। उनका मानना है कि अब इंडस्ट्री में और प्रीमियमाइजेशन होगा, ऐसी गुंजाइश उनको कम नजर आती है, और लॉयड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है इसको देखना काफी अहम होगा। ग्रासिम पर HSBC की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने टारगेट प्राइस को कम किया है, 1190 से घटाकर 1140 रुपए किया है, होल्ड रेटिंग अब भी बरकरार है। उनका यह मानना है कि
बीएसएफ और कास्टिक सेगमेंट की ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन जो दूसरे सेगमेंट है उनकी जो कमजोरी है वो पॉजिटिव असर को खत्म करती हुई दिखेगी। और वैसे भी एबी कैपिटल और आइडिया इन शेयरों में जिस तरह से गिरावट आई है उसका असर भी ग्रासिम के स्टॉक पे देखने को मिल सकता है क्योंकि ये पेरेंट कंपनी है। आखिर में इन्फोसिस पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, बाय रेटिंग अभी बरकरार है, 780 रुपए का टारगेट प्राइस है। उनका यह मानना है कि मैनेजमेंट कह रहा है कि बीएफएसआई सेगमेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए वहां पे कुछ सुधार देखने को मिल सकता है और नए डील्स काफी बेहतर और प्राइसिंग प्रेशर को लेकर भी थोड़े से नॉर्मल संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं जिस वजह से इन्फोसिस पर सीएलएसए अब भी बुलिश है। शुक्रिया संदीप आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो ये तमाम स्टॉक्स रहेंगे फोकस एंड रिपोर्ट्स के बेसिस पर, लेकिन आज फोकस में रहेंगे मल्टीप्लेक्स होटल शेयर्स भी, क्योंकि मल्टीप्लेक्स होटल रेस्टोरेंट में आपके खाने पीने की चीजों के लिए ज्यादा कीमत चुकाने की जरूरत अब नहीं होगी क्योंकि सरकार अब एमआरपी कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो पूरे देश में एक एमआरपी के लिए सुझाव देगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में मल्टीप्लेक्स होटल और रेस्टोरेंट में एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने की छूट दे रखी है, और क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के दायरे में मल्टीप्लेक्स होटल और रेस्टोरेंट नहीं आते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार कानून में संशोधन करके इनको भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है।